इंडिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते ही विराट कोहली ने हमारे शो में उनके गुप्ताचार अनूप दा को फोन करके क्या पूछा? यही कि कौन है विदिप्ता का सीक्रेट दीवाना, कौन है जो कैंगरू की किडनियों पर लिख रहा है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, विदिप्ता एचआर सर की ऑटो छोड़ उस ऑटो में बैठी जिसका भाड़ा कम था। 2 अप्रैल को होने वाले ड्रीम फिनाले में जिनके लिए अयोध्या से आएगा वो नौजवान जिनकी भैंस गर्मी में भी ठंड से ठिठुरती, विदिप्ता चक्रवर्ती। Performances of the season, historic. अब तक मैं ये समझता था कि अगर सोनाक्षी या देबोस्मिता इस ट्रॉफी को जीतेंगे तो वो उसके हकदार होंगे, लेकिन तुमने मेरा ये जो दावा था उसको बदल के रख दिया। हिस्टोरिक सिंगिंग, oh my god, fantabulous! और यही है हमारे सीजन 13 की ताकत कि जब भी लगता है कि ये विनर होना चाहिए तो दूसरा दावेदार आकर उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को बदल के रख देता है। इसीलिए हमारे साथ के साथ इंडियन आइडल सीजन 13 के दावेदार हकदार हैं उस ट्रॉफी के। आउटस्टैंडिंग ऋषि सिंह, क्या लगा तुम्हें तुम्हारी दोस्त विदिप्ता के बारे में?
खतरनाक सर, खतरनाक, खतरनाक मतलब तबाह कर दिया तुम्हारे दिल को या लोगों की लोगों के दिल को तुम्हारे दिल को तबाह नहीं किया उसने। अरे हो गया सर, तबाह हो गया। तो तुम्हारा दिल तबाह हो चुका है विजेता के परफॉर्मेंस। शेर कहना चाहूंगा। हाँ, शेर क्या है मेरे दोस्त? तो ऋषि कह रहे थे जी कि विदिप्ता की परफॉर्मेंस ने जी इंडियन आइडल में मचा दिया टहलका। टहलका जितना अच्छा आज का परफॉर्मेंस था उतना ही था कल का। पानी कभी भी मत पीना नल का। और मेरे पीवीपी जिसको मिस कर रहे हैं उनका नाम है थैंक यू। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, देबोस्मिता रॉय। देबोस्मिता, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे लाइफ में एक गुरु मंत्र रहा है, जो मैं तुम में देखती हूँ। मैंने बचपन से ही मम्मी पापा को मेरे क्लोज टू भगवान ही मतलब समझा है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे जितना सक्सेस मिला है सिर्फ मेरे बाबा माँ के आशीर्वाद के लिए मिला है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके लाइफ में भी जो सक्सेस आपको मिलेगा, मैं ये देख सकती हूँ कि आपके मम्मी पापा के लिए ही आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ मैम। और मैं चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा मेरे साथ इधर आके बैठे और आपका गाना सुने। वाह। एखाने एशो। थैंक यू सो मच मैम, इतना इज्जत देने के लिए पापा मम्मी को। थैंक यू सो मच। प्लीज एखाने एशे, আমি প্রার্থনা করছি আপনার মেয়ে অনেক আরো বড় হোক আর অনেক ভালো গায়িকা হোক। দেবস্মিতা, তুমি খুব তাড়াতাড়ি পুরো পৃথিবীকে তুমি রুল করবে গানে। जैसे मरे रे जिया।
रानी जी, आपको हमारी सुपरस्टार देबोश्मिता कैसी लगी? अभी इंडिया की सुपरस्टार हो गई है। वाह! इतना अच्छा उसका वॉइस है, एकदम जैसे कि मतलब शी इज प्लेबैक रेडी। व्हाट यू से हिमेश? एब्सोल्युटली। जो वो आशा जी का गाना हो, लता जी का गाना हो, अलका जी का गाना हो या कोई भी कंटेम्प्रेरी गाना हो, हर गाने को अलग तरीके से गाती है और जितने सुरों पे इसकी जो पकड़ है ना, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। And very sweet voice. Very, very sweet. Absolutely. Very sweet. We Bengalis have a lot of talent, right? Yes. मेरे लिए तुम winner always. मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक सोनाक्षी और एक तुम straight winners हो. Outstanding. Thank you. देबोश्मिता के मम्मी पापा, आज आप guest of honor के पास खड़े हैं, तो आपसे भी पूछना पड़ेगा. आपको कैसी लगी देबोश्मिता की performance? मैं तो सोचा था नहीं, तो मेरा बेटी इतना बड़ा जब इसको सामने गान गाती है, मैंने अच्छा बोला, मैं बहुत प्राउड हुआ। हाँ हाँ, मैंने थैंक यू इंडियन आइडल, थैंक यू, थैंक यू। देबोश्मिता, तुमने मौसम बदल दिया। थैंक यू देबोश्मिता, बहुत ही अच्छा। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.